हेलो, क्या आप एक स्कूल लीडर हैं या टीचर हैं और प्लान कर रहे हैं कि स्कूल का एनुअल प्लान कैसे बनाया जाए? स्कूल खोल तो रहे हैं, स्कूल नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, हाउ टू मेक द एनुअल प्लान? बिकॉज सी फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ये सही लाइन आपने सुनी हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर एनुअल प्लान फॉर योर स्कूल। नाउ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन दैट लोग अक्सर उठ के बैठ जाते हैं, स्पेशली प्री प्राइमरी स्कूल में सुबह डिसाइड करते हैं कि आज क्या पढ़ाया जाए, और बहुत कंफ्यूजन होती है पेरेंट्स, टीचर्स और इवन स्टूडेंट्स में भी कि आज क्या किया जाए। सो डोंट डू दैट, हैव एन एनुअल प्लान। सो इस वीडियो में शेयर करूंगा कि शेमरॉक और शेमफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में हम एनुअल प्लानिंग कैसे करते हैं अपने स्कूल्स में, ताकि उससे भी आपको बेनिफिट होगा। माय नेम इज अमोल अरोड़ा, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शेमरॉक एंड शेमफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ओवर द पास्ट 30 ईयर्स वी हैव हेल्प मोर देन 600 ऑन्टरप्रनोर्स रन सक्सेसफुल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। We have a formula called the instant school success system. The instant school success system means कोई भी बिना बैकग्राउंड के भी सक्सेसफुल स्कूल चला सकता है। तो हमारे फ्रेंचाइजीज राइट फ्रॉम फार्मर्स टू हाउस वाइफ्स टू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज टू पॉलिटिशियंस टू प्रॉपर्टी डीलर्स, हर तरह के लोगों ने स्कूल चलाए हैं विद आर सिस्टम, विद नो बैकग्राउंड एट ऑल, इंक्लूडिंग टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी रहे, उनको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था। और आज हमारे प्ले स्कूल में 300 से कई ब्रांचेस में ज्यादा बच्चे हैं, सेकेंडरी स्कूल में 3,000 से ज्यादा बच्चे भी चल रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो सक्सेस चाहते हो, आप भी चाहते हैं कि आप ऐसा स्कूल हो आपका जहां पर इतने एडमिशन की लाइन लगी हो, तो डेफिनेटली गेट इन टच विद अस, स्पीक टू आर टीम, अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे फ्रेंचाइज सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा हमारे गुडविल से, हमारे सिस्टम से, हमारे डे टू डे सपोर्ट के साथ। उससे आपके रेवेन्यूज कैसे बढ़ेंगे, आप ये ब्रांडेड स्कूल चलाएंगे, प्लस आपकी कॉस्ट कैसे कम होती है, आपका रिस्क कैसे कम होता है, ये सब चीजें जानिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको समझ आता है देन एंड यू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई फ्रेंचाइजिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, एक वेबिनार कर रहा हूँ हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, जानना चाहते हैं कैसे, अटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। और लेट्स गेट डाउन टू इट। सबसे पहले आपको अपना पूरा एनुअल कैलेंडर बनाना है बेस्ड ऑन आपके एरिया में जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्केड्यूल है छुट्टियों का, हॉलीडेज का, वो सब प्लान करके अपना एनुअल कैलेंडर बनाना है, जिसमें समर ब्रेक ब्रेक विंटर ब्रेक्स आपको निकालने हैं। उसके बाद जितनी हॉलीडेज हैं आपको सारी हॉलीडेज को फैक्टर इन करना है कि आपको छुट्टियां होंगी, और आपको टर्म बनाना होगा कि आपके टर्म्स कैसे होंगे, आप 4 टर्म्स यूज करने वाले हो, 2 टर्म्स यूज करने वाले हो, ट्राइमेस्टर सिस्टम यूज करने वाले हो। उसके बाद लॉन्ग वीकेंड्स वगैरह को भी कंसिडर करना होता है कि जब फ्राइडे सैटरडे छुट्टियां हो जाती हैं, तो जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं अकॉर्डिंगली, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्लासेस हैं अकॉर्डिंगली, उनको भी आपको उसी टाइम पे शेड्यूल करना है। कि उस टाइम पे नहीं करना चाहते हो जब लंबी लॉन्ग वीकेंड है, ये करना चाहते हो, ये आपको डिपेंड करता है आपके टीचर्स के ऊपर, आपके स्टूडेंट्स के ऊपर, आपके ओरिएंटेशन के साथ। उसके बाद आपको डेली उसी हिसाब से, जब एक बार एनुअल कैलेंडर बन गया, आपको डेली डेली कैलेंडर बनाना है। जो डेली कैलेंडर है उस स्पेशली फॉर नर्सरी स्कूल फॉर एग्जांपल, जो कि लोगों को चैलेंजिंग लगता है, उसमें फ्री प्ले, रेस्ट टाइम्स, मील टाइम्स, आउटडोर एक्टिविटीज, तो हर छोटे बच्चों के लिए करना पड़ेगा। बड़े बच्चों के लिए ऑफकोर्स पीरियड्स वाला सिस्टम होता है, जिसको मालूम है, टाइम टेबल मैनेजमेंट है। इफ यू टेकिंग आवर सॉफ्ट फ्रेंचाइज, तो हमें आपको सॉफ्टवेयर देंगे जिसमें टाइम टेबल आपका बहुत ईजिली बन जाएगा, जिससे कि जो वर्कलोड है स्टाफ का बैलेंस हो जाता है, ताकि किसी भी टीचर को ये ना लगे कि मुझे एक्स्ट्रा काम दिया गया है, नहीं काम दिया गया, मैं फ्री हूँ। सो ये सब चीज़ें आपको, जो ये पूरा सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनुअल कैलेंडर, डेली कैलेंडर, सारा कुछ जो है फ्रेंचाइज में आपको पूरा बना बनाया मिलता है, ताकि कल ही आप एक सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं, आप पीपल डिपेंडेंट स्कूल नहीं बन जाते। सो इफ यू लाइक दैट, आई मीन डेफिनेटली गेट इन टच विद आर टीम, तो आपको डेली पूरा स्केड्यूल प्लान मिल जाएगा आपको, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक जो है, क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है। उसके बाद आपको थीम्स लेने चाहिए, वी शुड नॉर्मली फॉलो मंथली थीम। तो हमारी क्या होता है, हमारे हमने 10 थीम्स और 10 संस्कार में पूरा करिकुलम मैप कर दिया है। तो हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं चलता, हम थीम बाय थीम चलते हैं। तो उन थीम्स के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, असेंबलीज, नोटिस बोर्ड्स, ताकि पूरा थीम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से, पूरा स्कूल अगर एक थीम पे होता है, तो जो नॉलेज की एब्जॉर्प्शन है और संस्कार की, जो मंथ की जो ह्यूमन वैल्यूज की, संस्कार की एब्जॉर्प्शन है, वो अच्छी हो जाती है। फिर उस थीमेटिक लर्निंग पे आप गेस्ट स्पीकर्स इन्वाइट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव टू प्लान फॉर फील्ड ट्रिप्स, कि आपको बच्चों को जो पिकनिक्स है, आउटिंग्स है, वो कब कब करनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि जो जिस क्लास की आउटिंग आप प्लान कर रहे हैं, उसके क्लास के बच्चा जो लर्न कर रहा है, उससे अगर लिंक हो जाए तो वो बेटर रहेगा। प्लस उसका फिर प्रोविजन करना पड़ेगा, कौन ट्रांसपोर्टेशन, कौन कैसे अरेंज होगा, कौन सुपरवाइज करेगा, पेरेंट्स से परमिशन कौन सी लेनी पड़ेगी। और जब पिकनिक्स होते हैं तो उसके बाद प्री लर्निंग, पोस्ट लर्निंग भी पहले से प्लान होना चाहिए कि उसका आउटकम क्या है। नॉर्मली स्कूल्स में बच्चे जाते हैं घूम के एंजॉय करके आ जाते हैं, बट एक लर्निंग आउटकम भी होना चाहिए। ऑल्सो सिंस इंडिया में बहुत सारे हमारे सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत फेस्टिवल्स हैं, बहुत कल्चर्स हैं, बहुत रिलीजन्स हैं,
तो फेस्टिवल्स, बर्थडेज, बच्चों के सारे आपको सब वो चीज़ें प्लान करनी है, प्लस इवेंट्स लाइक एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ग्रेजुएशन डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, पेरेंट्स डे, ये सब चीज़ें, फादर्स डे, मदर्स डे, सब आपको पार्टिसिपेट, ये सब भी आपको प्लान करनी पड़ेगी। अगर कोई सेलिब्रेशंस करने हैं वो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर देन ऑल्सो थिंक अबाउट पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एज वेल। तो ये जो सेलिब्रेशन में आप चीज़ें ये भी देखने कि वो एग्जाम से क्लैश नहीं करना चाहिए, और जिस टाइम पे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे ये सेलिब्रेशन थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए, स्पेशली ओल्डर बच्चों के लिए। सो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स करेंगे, कुछ सोशल इवेंट्स हैं, उनको आपको अपने स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराना है, आप अगर वॉलंटियर करा रहे हो पिकनिक्स के अंदर, सो ये सब जितने भी आप एक्टिविटीज सब पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व, जिस जिस तरह से आपका स्कूल की फिलोसफी है, सो वी डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स विद आप। हमारा आज प्रोग्राम है कॉल्ड सिनर्जी, वे सिनर्जी मीन्स एक और 11, राइट? सो सिनर्जी मीन्स वी बिलीव दैट पेरेंट्स एंड होम एंड स्कूल हैव अ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप में हम काम करेंगे तो बच्चे की लर्निंग बेटर होगा। सो व्हाट वी डू इज सिनर्जी इज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोग्राम, मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है ऑन हाउ टू इंक्लूड सिनर्जी। सो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज, उनका भी कैलेंडर, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी छुट्टियाँ, उनके आपके एरिया में क्या क्या बच्चे उनका वो है, हॉलीडे शेड्यूल क्या है उनका, कब वो पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं, कब उनके लिए कन्वीनियंट है, आपके स्कूल के बच्चों के हिसाब से ये सब चीज़ें प्लान करनी है। ऑल्सो आपको प्लानिंग एनुअल कैलेंडर में ये भी करना है असेसमेंट्स एंड इन प्रोग्रेस के बारे में, उनके एग्जाम्स कब होंगे, टेस्ट जो है, ताकि टीचर्स जो हैं उसको टाइम दे सके, और प्लस उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी उनको अरेंज करने होंगे उसके बाद। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग आपको एनुअल कैलेंडर में करना होगा। ऑल्सो आपको प्लान करना होगा स्टाफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए जो टीचिंग ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग कब कब रखेंगे आप, एक्सटर्नल ट्रेनर्स हैं, इंटरनल ट्रेनर्स, जब आप फ्रेंचाइज देते हैं तो आपके टीचर्स की ट्रेनिंग हेड ऑफिस करता है, बट आपको फिर अदरवाइज अपना फ्रेंचाइज नहीं लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा एक्सटर्नल ट्रेनर्स के लिए, तो उनके लिए फंड बजट भी प्लान करना पड़ेगा, प्लस उनका अवेलेबिलिटी भी लेना पड़ेगा। अगर आप पीयर फीडबैक ले रहे हैं, टीचर अगर अप्रेसल्स कब होने हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कब होनी ऑन फर्स्ट एड, तो ये सब चीज़ें आपको, और अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर्स कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स अटेंड करें, प्रिंसिपल अटेंड करें, तो उनकी भी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। सो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके आई थिंक दिस विल हेल्प यू, दिस वीडियो मस्ट हेल्प यू क्रिएट द एनुअल प्लान फॉर योर स्कूल। आई नो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट धीरे धीरे बन जाता है, बट ऑफकोर्स दैट्स वाई फ्रेंचाइजिंग इज ईजी, बिकॉज बना बनाया मिल जाता है। इनफैक्ट कई बार प्रिंसिपल्स मुझे बोल चुके हैं, सर मेरा यहाँ काम क्या है, बिकॉज सब कुछ बना हुआ आ रहा है, राइट फ्रॉम द बुक सेट्स टू करिकुलम, मंथली प्लान, एनुअल प्लान, सारा बना हुआ है और डे टू डे प्लानिंग बनी बन चुकी है। सो बस आपको बस इंप्लीमेंट करना है, इट्स वेरी वेरी इजी, और आप किसी टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते कि वो टीचर चलेगी, अच्छी टीचर है चलेगी तो मेरा स्कूल का क्या होगा। सो दैट इज वाई यू बिकम अ सिस्टम डिपेंडेंट स्कूल। अगर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट माई टीम, वी लव टू हेयर फ्रॉम यू, एंड अगर हमें लगता है कि मिलकर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, डेफिनेटली गेट इन टच एंड वेलकम टू जॉइन द शैमरॉक एंड शैमफर्ड फैमिली। और अदरवाइज मेरे वेबिनार को जरूर अटेंड करना ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। आज मैंने एनुअल प्लान का बनाया, उसमें ए टू जी कवर करूंगा ऑफ वॉट इट टेक्स टू ओपन अ स्कूल, प्लस कुछ फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। सो सी यू इन द वेबिनार। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, और अपने दूसरे जो एजुकेटर फ्रेंड्स हैं जो स्कूल चला रहे हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बिल्कुल बेनिफिट हो ऑफ दिस नॉलेज। एंड अगेन, इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज कॉमेंट्स में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट आपको जब भी नया वीडियो मिले आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्लस मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि इतने लाइक्स आए तो मैं ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियो बनाता रहूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी एज एन एजुकेटर। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू।